तन और घोड़ा बिगड़े से बिन फेरे, इसने नहीं फेरोगे तो बिगड़ जाएगा, घोड़े न पान दो बिगड़ जाएगा, नहीं चल लगा दो। धन से धन की तो पॉइंट में दाब दिया तो बेरा ना कौन सी पीढ़ी में किसका हाथ लग गया ना लग गया, और उन्हें पुरतता रहे कि मैं प्लॉट ले लिया, कदे न्यून ला दिए, कदे न्यून ला दिए, घाटा वादा करता रहे। ऐसे ही विद्या है, विद्या को दो रात तेरह हो गए तो पढ़ाई याद रहेगी। दो बात, जब वो शकुंतला के 7-8 साल का वो लड़का हो जाता है, कणव ऋषि के आश्रम पे वो रहती थी, और एक दिन राजा दुष्यंत जो हस्तिनापुर का राजा था उससे गंधर्व विवाह करके गया था, अंगूठी दे के गया था कि ये मेरी निशानी ले, मेरे रंग में लो, मैं आ जाइए। 8-7 साल हो लिए, लेकिन वो भूल गया, ऋषि दुर्वासा ने श्राप दे दिया था, उस श्राप के कारण उसको भूल जाता है। और कणव ऋषि ने बोला, वो देखे भाण बेटी राज्य मारा जाएंगे नहीं, ओट्यारे पिया मेरे ते अच्छी नहीं देखी जाती है, अपने चेलिया उन ऋषियां ते कहे भाई इसने हस्तिनापुर छोड़ो। दादा ने भी कहा कि सियाणी ननद बहन और बेटी अपने घर अच्छी है, तो क्या कहता है अपने शिष्यों से, भाई इसने हस्तिनापुर छोड़ा हो, और कैसे हस्तिनापुर पहुंचा दो इसने घरा बराने कुछ ना। बोला भाई गहराई से सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाए हैं, क्योंकि राज्य महाराजा के भी नहीं नम भजवान भाण बेटी कैसे वाला। दखे ज्ञान दान ते सचूसू जब रूंग खड़ी हो जासे शकुंतला। बात बड़ी हो जासे चंदन के घसने तो चंदन लील बड़ी हो जासे, बारे के से मेरे भगवान दीप बड़ी हो जासे शकुंतला ने
देखूं सू जब रोम खड़ी हो जा सर भाई ये 100-100 रुपए दे गए, नाम नहीं बताया, बड़ा बड़ा धन्यवाद। नु बोला राड़ा बाबा जी हमें अछोरी पड़ी रहे है भगमा बाणे में इन शाल दसाले और डण दो और क्या समझाता है। अरे नाज करेगी, नाज करेगी बाणी बनके, बाणी बने करेगी मुआज करेगी स्याणी बनके, स्याणी बने करेगी ताज धरेगी स्याणी बनके, स्याणी बने करेगी। अरे राज करेगी रानी बनके, रानी बन करेगी साल तो साले ओटन दो, साल तो साले ओटन दो कोई भगमा पाने कुछ ना। भाई कतलूपुर का ड्राइवर होता अपनी गाड़ी के पास, और भाई ये पंडित जी किताबें दादा की, मांगेराम की, दयाचंद की, मेहर सिंह की, बाजे भगत और जिस भी कवि की ग्रंथावली थी ये पीछे बिक्री है। न्यू बोला इस लड़के की रेखा देखी है मैंने और इसका लगन देखा है, ये राजा बनेगा और क्या कहा। मनु धर्म का पालन करना मनु समृद्धि होगा, फिर चार वेद योरी छह शास्त्र का ज्ञान कुदरति होगा। इस लड़के का मेष लगन बड़ा चक्रवर्ती होगा रे, चराने कुछ ना। बहुत
ये वेद प्रकाश जी, एक तो भाई साहब थोड़ा छोम आ गया कल टेलीफोन पे मेरे पास, कल फरक नगर की पंचायत बैठी थी, गौशाला के प्रोग्राम है 2-3-4 के, वाह तारीख झज्जर गौशाला की, और इस तरह आदम में उन ते फिर आड़े ते टेलीफोन आ गया, मन्ने कही चो सब मैं जीत की यहां भर लूंगा ना, मैं पैसा में बिकू मजांगा उड़े, इतने माड़े ते टेलीफोन आ गया भाई हाथ जोड़ के माफी, इसके बाद कार्यक्रम चलेगा आखिरी कली। ये वेद प्रकाश जी जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, 500 रुपए इनाम के देते हैं, वेद प्रकाश जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। बुजुर्गा ने देखा होगा पंडित मांगेराम दादा लक्ष्मीचंद से उम्र में बड़ा था, 6 महीने और पूरे 20 साल का हो लिया था, जब पाछा माई चंद्र गए लांडार था सांग सीख गया, बोला भाई वो लक्ष्मीचंद नहीं था लोगों का, यो बहम से वो लक्ष्मीचंद था, ओ किसे की पहचान में नहीं आया, अरे मरे पाछा रो है 70 साल हो लिए, उसकी बनावट आज भी किल की मारे है, आदमी ना आदमी की पहचान होनी चाहिए, मांगे बामन ने बोला भाई हमने पहचाना वो आदमी, लक्ष्मीचंद नहीं था, क्या कहा। अरे गंधर्व वन के इस दुनिया में आए का ये मैं आनंद ना था, गंधर्व बन के आया था यो देश पसंद भी ना था, कर्म कांड का मेल गना मति मंद भी ना था, रे लोग कैसे लक्ष्मी चंद वो लक्ष्मी चंद भी ना था, वही मंगे राम पिछे पछाने कुछ ना, ये जगदीश कैसेट की तरफ से 1100 रुपए और 100-200 जिन्होंने दिए, अब पगड़ी रसम के लिए